पोलर एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे आर्गुमेंट एंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने आता है तो पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आराम से रिप्रेजेंट कर देंगे। अभी आर्डर प्लेन डिस्कस किए थे, इस आर्डर प्लेन में इसको क्या कहेंगे, रियल जेड एक्सिस, इसको इमेजिनरी जेड एक्सिस, और कोई पॉइंट जेड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई है तो उसका रिप्रेजेंटेशन यहां से यहां तक एक्स, ये वाई मीन्स ये वाई, और ये क्या जाएगा मॉड ऑफ जेड, और ये क्या है आर्गुमेंट ऑफ थीटा। तो अगर एक्स ये जेड है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलस को, मॉड ऑफ जेड को आर से, और ये आर है तो ये एक्स कितना होगा आर कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा एक्स बाई आर, तो एक्स कितना होगा आर कॉस थीटा, और वाई कितना होगा आर साइन थीटा, वाई कितना होगा आर साइन थीटा। तो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, मीन्स एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा, आर का मान ले लेंगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसको पोलर फॉर्म भी कहते हैं, जिसमें आर मैग्नीट्यूड होता है, थीटा क्या होता है आर्गुमेंट होता है। और इससे पहले जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में थीटा डिस्कस किया है, आर क्या है मैग्नीट्यूड आर्गुमेंट है, इसको सिस फॉर्म भी कहते हैं, आर ये क्या है सिस फॉर्म, सिस थीटा, सिस थीटा, कॉस आई साइन थीटा, कॉस और सिस थीटा भी कहते हैं। तो लेकिन हम लोग को इतना याद रखेंगे यहाँ पे क्या आर मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या आर्गुमेंट है, मतलब मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल लेंगे तो आराम से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम लिखते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में। जैसे एक क्वेश्चन है माइनस थ्री रूट थ्री रूट टू प्लस थ्री रूट टू आई, थ्री रूट टू आई। अब इसको क्या करना है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म कन्वर्ट करने के सबसे पहले क्या चाहिए मॉड ऑफ जेड, इसको क्या कहेंगे आर, और कितना होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स कितना थ्री रूट टू का स्क्वायर, वैसे थ्री रूट टू कॉमन ले ले तो आराम से मैग्नीट्यूड निकल जाता वन प्लस अंडर रूट टू इंटू रूट टू, टू रूट सिक्स आ जाता। लेकिन अब यहाँ पे हम थ्री रूट टू का ही स्क्वायर कर देते हैं तो माइनस थ्री रूट टू का स्क्वायर, तो थ्री नाइन इंटू टू एटीन प्लस एटीन थर्टी सिक्स, सिक्स आ जाएगा। तो आर कितना है सिक्स है। थीटा की अगर बात करें तो किस क्वाड्रेंट में है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, पाई माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है टैन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाय एक्स, पाई माइनस वाई बाय मॉड ऑफ वाई बाय एक्स, वाई थ्री रूट टू एंड माइनस थ्री रूट टू डिवाइड करेंगे तो टेन इनवर्स वन, ये कितना आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस वन, माइनस वन का मॉड कितना वन, टेन इनवर्स वन, और टेन वर्स वन कहाँ पे होता है वन टेन थीटा फोर्टी फाइव डिग्री, तो फोर्टी फाइव डिग्री को पाई बाय फोर कहते हैं, तो पाई माइनस पाई बाय फोर कितना होगा थ्री पाई बाय फोर। तो थीटा मिल गया थ्री पाई बाय फोर, आर मिल गया सिक्स, तो जेड हो जाएगा सिक्स कॉस थ्री पाई बाय फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाय फोर, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं और पोलर फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं माइनस वन माइनस आई, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका जेड मॉड जेड वन प्लस वन अंडर रूट टू, और थीटा टेन इनवर्स किस क्वाड्रेंट में है थर्ड में, माइनस पाई प्लस
tan इनवर्स mod y by x, और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स mod y by x, तो वन बाई वन वन, तो mod वन वन ये हो नेगेटिव में पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स वन वन कितना पाई बाई फोर, माइनस पाई प्लस पाई बाई फोर, ये माइनस थ्री पाई बाई फोर, माइनस थ्री पाई बाई फोर है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जेड को आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर कितना अंडर रूट टू कॉस माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन थ्री माइनस थ्री पाई बाई फोर। अब इसमें ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये वहां पे समझेंगे, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा तो थ्री पाई बाई फोर, बट साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा माइनस आई साइन थ्री पाई बाई फोर, तो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें पोलर एंड पोलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ माइनस फोर। माइनस फोर किस एक्सिस पे होगा, माइनस फोर यहाँ पे होगा, ये माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो यहां से यहां तक ये क्या होगा पाई, थीटा कितना हो जाएगा आर्गुमेंट पाई इक्वल, और मॉड कितना मॉड ऑफ जेड माइनस फोर मीन्स कितना है माइनस फोर प्लस आई जीरो, तो कितना हो जाएगा मॉड फोर हो जाएगा, अंडर रूट माइनस फोर का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस मॉड फोर, और थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, तो आप यहां क्या लिखेंगे पाई, ठीक है जीरो बाय फोर रियल नंबर जीरो ही होता है, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो पाई में से आपको घटाने की जरूरत ही नहीं सीधा पाई, तो ये हो गया मॉडुलस और ये आर्गुमेंट। नेक्स्ट है कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म, तो उस क्वेश्चन में आप देखें कि यहाँ पे पोलर फॉर्म में करता है कन्वर्ट, तो सबसे पहले तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, तो वन प्लस आई से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा टू वन माइनस आई इंटू वन प्लस आई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो सीधा टू वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, और ये कितना वन प्लस आई स्क्वायर कितना माइनस वन प्लस टू आई बाई टू, तो ये सीधा कितना हो गया आई, और आई आई को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जीरो प्लस आई इंटू वन, एक्स है जीरो वाई है वन, वैसे आई कहां पे होगा इस एक्सिस पे, यहां पे होगा इस पे होगा, और ये कितना है फाइव बाई टू पाई बाय टू, तो मॉड जेड इज अंडर रूट जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वन, एंड थीटा आर्गुमेंट आर्गुमेंट, तो आप उसमें अगर आप करते हैं वाई बाय एक्स तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, तो पाई बाय टू है, तो आप वो इसे भी ग्राफ से देखें ये कितना बनेगा पाई बाय टू। अब इसमें पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा आई साइन थीटा आर वन और कॉस पाई बाई टू आई साइन पाई बाई आई साइन पाई बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन बी टू प्लस सिक्स रूट थ्री आई बाय फाइव फाइव प्लस रूट थ्री आई, किससे करेंगे फाइव माइनस रूट थ्री आई बाय फाइव माइनस रूट थ्री आई टेन माइनस टू रूट थ्री आई थर्टी रूट थ्री आई माइनस सिक्स एटीन आई स्क्वायर, तो एटीन आई स्क्वायर मतलब प्लस एटीन
सिक्स इंटू 18 आई स्क्वायर माइनस वन और माइनस माइनस प्लस 18 बाय 25 प्लस 3 28 और 28 रूट 3i बाय 28 1 प्लस रूट 3i और 1 प्लस रूट 3i है तो इसका जेड मॉड जेड आर इक्वल्स अंडर रूट 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर ये कितना होगा 2 एंड थीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो टेन इनवर्स सीधा वाई बाय एक्स तो रूट 3 और टेन इनवर्स रूट 3 कितना 60 डिग्री पाई बाय 3 तो जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 2 कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 इस तरह से अब क्वेश्चन जो क्लास 12 लेवल का है सभी वीडियो देख के शुरू से लेके जो भी वीडियो पढ़ाए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना चीज है वो सिलेबस कवर हो जाता है लेकिन कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम भी आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपका 12th लेवल तक का सिलेबस यही होता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें जहां भी दिक्कत होता है पूछें।